बेसिकली तो बैंकर हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में मैं मैनेजर के पोस्ट में हूँ अभी, और ये क्राउन मेरे लिए सपना बोल सकते हैं। एंड अभी तो फिलहाल उसकी तैयारी चल रही है मेक्सिको जाने की, क्योंकि ये जीतने के बाद अभी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ मेक्सिको में, जो कि 1 से 8 अगस्त तक है। तो विश मी लक। कितना मुश्किल है मिस और मिसिज की अगर बात करें, मिस में इतनी लाइबिलिटी नहीं बनती है, मतलब इतनी जिम्मेवारियां नहीं होती है, कि मिसिज होने के बाद बच्चे, फैमिली, सास ससुर हर चीज़ के है, कोई मना करता कोई हाँ करता है कि नहीं बहू को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपके लिए कितना मुश्किल था ये चीज़ें? मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। बैलेंसिंग करना वो मेरे मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर था, जो कि मैंने मेरे ख्याल से पूरे खड़े उतरे से निभाया है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सब ने मुझे बहुत हेल्प किया है बैलेंस करने में लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को। तो कभी आपको ऐसा लगेगा आपके परिवार कोई एक बीच में आया हो कि नहीं नहीं करना है, ये चीज़ें गलत हैं, कोई ऐसा वाक्य? गलत नहीं, पूछते तो हैं कि आगे क्या करना है, तुम तो अच्छा खासा जॉब करती हो, काफ़ी रिलेटिव्स बोलते हैं कि सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्या ज़रूरत थी फिर ऐसे टीवी पे आने की या फिर कोई ऐसे पेजेंट जीतने की। बट फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखिए, हर चीज़ का ऐसा नहीं होता है कि वो ज़रूरत है कि नहीं, कुछ अपनी इच्छाएँ भी होती है जो हम बचपन से नहीं कर पाए हैं। अभी मुझे लगा कि सब कुछ मेरा फुलफिल्ड है, तो मुझे इस फील्ड में भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अभी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं कि शायद आपका सपना था कि मुझे इस फील्ड में आना है, एक बार क्राउन पहनना है, तो ये सपना आपका पूरा हुआ, इसको पूरा करने में आपका सारा क्रेडिट किसको जाता है? ये चीज़ अगर बात करें, पूरा क्रेडिट किसको जाता है, पूरा योगदान किसको देते हैं आप? पूरा क्रेडिट ऐसे तो कोई इंडिविजुअल को नहीं बोल सकती हूँ, मेरी फैमिली को ही बोलना चाहूँगी, और स्पेशली मेरे हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में मोस्टली मैं तो उन्हीं के साथ हूँ, और मम्मी पापा तो रहते हैं, मम्मी पापा का फ़ोन पे सपोर्ट रहता है, एंड कभी भी कोई ज़रूरत हो तो दे आर ऑलवेज देयर। लेकिन हस्बैंड का पूरा शुरू से लेके अभी तक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉपिंग से लेके, मतलब एजेंट की बहुत तैयारियां होती है, ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर रेडी करने रहते हैं, देन जिम ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, तो उन सब में मेरे हस्बैंड का पूरा योगदान रहा है। तो अभी कहाँ जाने वाले हैं आप, इसके अगले पड़ाव की अगर बात करें? हाँ, इसके अगले पड़ाव में हम सारे हम इंडिया से 2 लोग जा रहे हैं, एंड मैं मिसेस एशिया यूनिवर्सल होके इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ मेक्सिको सिटी में। वहाँ पे प्लाया डेल कार्मेल पुर के जो होटल है वहाँ पे हम लोग का कंपटीशन होगा 8 दिन तक, 1 से 8 अगस्त तक। अगर जीत के आ जाते हैं, विनर बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आप फिल्मों में, एल्बम में क्या करना चाहेंगे आप? पहले तो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना बोला कि हाँ जीत के आ जाओ। ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगी कि जीतूँ, कोशिश भी पूरी वैसी ही है, तो अगर अच्छे ऑफर्स मिलेंगे ज़रूर मैं करना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रहता है सबका कि हाँ अगर हो जाए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी वेंचर्स हैं, सोशल कॉज के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहूँगी मैं, और अगर फिर भी ऑफर्स मिले हैं तो ज़रूर करना चाहूँगी।